हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कि FSSAI ने जो अभी रिक्रूटमेंट निकाली है, विच इज नाइन्थ फूड एनालिस्ट एंड सिक्स्थ जूनियर एनालिस्ट एग्जाम। एक्चुअली इट इज नॉट अ रिक्रूटमेंट बट इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सी, मैंने यहाँ से कुछ क्लिपिंग्स उठाई हैं उन्हीं की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आपके यहाँ पे हेल्प करेगी, मतलब आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेट्स के रिगार्डिंग। तो ये जो ये वाला पूरा यहाँ पे चार्ट है, इस पूरे चार्ट में आपको मिलेगा कि एक्चुअल डेट्स क्या हैं। बाकी मैंने मेन डेट्स यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख दी हैं। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके स्टार्ट होंगे फ्रॉम 3rd जुलाई टू 23rd जुलाई। ओके, और जो 31st जुलाई है, इट विल बी द लास्ट डेट जब आप फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा 14th अगस्त, सॉरी दिस इज राइट हेयर, 14th अगस्त, इस डेट को आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ओके, और 3rd सितंबर को होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, विच इज ऑनलाइन। ओके, तो जो भी आपका टेस्ट होगा वो 13 सितंबर होगा, ये डेट आप याद कर लीजिए। इसके अलावा 15 सितंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा 15 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इससे अगले स्टेज में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, वो अगले स्टेज में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो इससे है एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जाम्स यहाँ पे होंगे। कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, 4 अक्टूबर को प्रैक्टिकल एग्जाम, 4th अक्टूबर को, 4th अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। और उसी की मतलब क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इंश्योरेंस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी 14th अक्टूबर। ओके, अब डेट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम इज द 2nd वीक ऑफ नवंबर, और इसकी जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा वो ऑन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे जूनियर फूड एनालिस्ट की। ओके, तो जूनियर फूड एनालिस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफाइंग आई मीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, वो हैं बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी इन एनी ऑफ द मेंशन्ड सब्जेक्ट, विच इज केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, या आई मीन डेयरी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल साइंस, फिशरीज साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइट, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया बाय लॉ, ओके, इन एसोसिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट इंडिया बाय एग्जामिनेशन इन द सेक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट इंडिया। ओके, अब हम बात करेंगे एसेंशियल एक्सपीरियंस की। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए स्पेशली फूड एनालिस्ट को। ओके, और इसमें कोई रिजर्वेशन भी नहीं होगी, बिकॉज इट इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड देर इज नो एज लिमिट ऑल्सो। तो जिसकी फीस रहेगी 1500 और 1500 रुपीज। ओके, अब बात करेंगे हम फूड एनालिस्ट की, जो कि आप कह सकते हैं मेजर है। तो इसमें जो मैंने आपको क्वालिफिकेशंस ऊपर बताई, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, वो सेम रहेंगी, बट इसमें जो एक्स्ट्रा चीज क्वालिफाइंग चाहिए वो है 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्रेडिटेड लैब, इंस्टीट्यूट और रिसर्च फैसिलिटी, और इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 2000 रुपीज। ये सब यहाँ मेंशन है, आप क्वालिटी थोड़ी बढ़ा के इसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन प्लान की। तो एग्जामिनेशन प्लान्स कुछ इस तरह हैं कि जो इसमें वेटेज रहेगी वो, मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको +4 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दिए जाएंगे। ओके, तो ये सबके लिए ही सेम टू सेम रहेगा, आई एम रियली सॉरी। तो जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो होगा फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड्स, मतलब जो भी फूड के रिलेटेड लॉ है इंडियन एंड इंटरनेशनल, वो सब इसमें आएंगे। फिर सेकंड सेक्शन है वो आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ फूड एनालिसिस लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग NABL, ISO, IEC 17025 ऑफ 2017 एंड लेबोरेटरी सेफ्टी भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, फिर प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन, फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस भी इसमें आता है। वेटेज आप चेक कर सकते हैं, फूड लॉस का 20% वेटेज है, मतलब 40 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ फूड एनालिसिस में से 20 क्वेश्चन आएंगे, 10% वेटेज है ना। अब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर फोर्थ सेक्शन जो है प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसमें से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर फूड केमिस्ट्री में से 40 क्वेश्चन आएंगे,
फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन में से भी 40 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में भी 40 क्वेश्चंस आएंगे, तो इन टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ओके इसीलिए +4 और -1 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ये मैंने यहाँ पे मार्क मतलब क्लिपिंग लगाई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके तो जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को देंगे उन्हें 40% मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब जैसे ही आप इसे क्वालिफाई करेंगे तो जो फूड एनालिस्ट होंगे उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए डेट वहां पे मेंशन हो जाएगी, और जो जूनियर फूड एनालिस्ट होंगे और उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड उनका प्रैक्टिकल एग्जाम तब होगा जब उनके पास एसेंशियल 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा उनके पास, और वो भी फ्रॉम अ सर्टिफाइड फूड एनालिसिस लैब इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। ओ या सब्सक्राइब इफ यू लाइक।